छोटा लुल्लू पुप्पू है। हाँ ये सीनियर लुल्लू पुप्पू के पास जैसे उसके सीने से लगा चुप हो गया, यकीनन तुम्हारा बच्चा ही। हाँ लेकिन परिमल आपने भी जो किया ना बहुत गलत किया, भाभी से छुपाना नहीं चाहिए। ए, 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 गोल्डी क्या छुपाया, क्या छुपाया मैंने भाभी से? क्या छुपाया? अरे इतना बड़ा काम कर दिया, ये छुपाया। भाभी को पता चल जाएगा ना, अगर बता दिया होता ना तो वो माफ कर भी देती। किसको माफ कर देगी, क्यों माफ कर देगी, पागल है तू? अरे आपकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, मैच हो रही है। आपकी गोद में छुप रहा आप ही का बच्चा है। ये भूपी भाई का कजिन है ना जग्गू, ऐसा लफड़ेबाज मैं नहीं हूँ, ऐसा टैलेंट मुझ में है ही नहीं। करेक्ट है, लेकिन इनके खानदान में ये टैलेंट है, बच्चा भूपी भाई का ही होगा। अगर मेरा कजन लफड़ेबाज है तो इसका मतलब मैं भी लफड़ेबाज हूँ, ये कहाँ का लॉजिक है? डाउट तो आप पे आएगा ना, आपका ही चांस ज्यादा है। करेक्ट, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मर्द हूँ यही करते रहते हैं। मर्द हूँ करते करते हो गया रहेगा और पता भी नहीं चला होगा। भूपी भाई संभल। ओए गोल्डी, अरे तुम तो दिन में शर्ट बदलने से ज्यादा गर्लफ्रेंड बदलते रहते हो। एक साथ में तुम्हारा 3-4 ट्रैक चलता रहता, उन्हीं में से किसी एक का ये पाप है और तू ही इसका बाप। करेक्ट भूपी भाई, क्या करेक्ट? मतलब आपके इधर दूध के धुले हुए हो क्या? ये बच्चा आपका है? भाई मेरा बच्चा नहीं है ये। अरे आपकी गोद में गया ना चुप हो गया, मैं बता रहा हूँ ये बच्चा आपकी है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ये बच्चा मेरा नहीं। अरे क्या मेरा तुम्हारा मेरा कर रहे हो आप लोग? उनको दो, मुझे मत दो, मुझे नहीं आएगा, मैं गिरा दूंगा। अरे मैं गिरा दूंगा बस। नहीं आप रखो। अरे 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 कितना प्यारा गोलू मोलू है। अरे 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 मेरा राजा, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। बहुत छोटा बच्चा है और लगातार रो रहा है। सबसे पहले तो हमें इसे चुप कराना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि हमारी पत्नियों को इसके बारे में नहीं पता चले। अरे पर हम क्यों संभाले, इसके बाप को इसे संभालना चाहिए कि नहीं? अरे पर ये कैसे, कौन तय करेगा कि इसका बाप कौन है? अगर इसका DNA टेस्ट भी कराते हैं तो रिजल्ट आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। सही कह रहे हैं भूपी भाई, मेरे ख्याल से तब तक इसे हम सबको मिल के संभालना होगा कलेक्टिवली। तो बाप बनने का एक्सपीरियंस तो आपको ही है भूपी भाई, आप ही बताइए क्या क्या करना होगा, क्या लाना होगा? भाई सबसे जरूरी है डायपर्स, क्योंकि ये लगातार सुसु कर रहा है। हाँ डायपर तो चाहिए, ये सब गीला है। फिर चाहिए 1 बोतल दूध पीने के लिए चुसनी के साथ है। तो बस कुछ नए कपड़े ले आए तो काम बन जाएगा। और झूला चाहिए होगा, वो तो तुम्हारे घर में है ही। मेरे घर में रूपल भी है। भिंडी लूं कि रिंगना लूं, पता नहीं क्या बनाएंगे परिमल। काम करती हूँ, उसी को फोन करके पूछ लेती हूँ। अरे कौन है भाई, कौन है? इसके मुंह में उंगली डाल। हाँ करो करो करो, तुम्हारी उंगली बोतल के जैसी है। हेलो परिमल, हाँ भिंडी लू कि बैंगन लू? परिमल मुँह से कुछ बोलो तो खरा। 1 पैकेट मिल्क पाउडर लाना। क्या? सत्यानाश, मत लाना मिल्क पाउडर। ओनली भिंडी, नो मिल्क पाउडर, ओवर एंड आउट। ओके? अरे पर मैंने किधर मिल्क पाउडर का ऑप्शन दिया? अच्छा ठीक है भिंडी लेती हूँ। तो भाभी हाँ जरूर कुछ झोल है, हैं? देखो आप यार गए थे अभी हम सब काम से। सॉरी। अरे भूपी भाई ये इसकी मम्मी कहाँ होगी? भाई इसकी माँ जहाँ कहीं भी होगी, माँ की ममता उसे यहाँ तक जरूर खींच ले आएगी। आ जाएगी 1-8 दिनों में, उसके बारे में चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं। तब तक हमारी बीवियाँ हमारी जिंदगी उजाड़ देगी, उसका क्या? और उसकी माँ जिसे ऐसे बच्चे को यहाँ छोड़ के गई है, उसका क्या भरोसा? पुलिस हमसे 10 सवाल करेगी, ये किसका बच्चा है, कहाँ से आया, तुम्हें कैसे मिला, और फिर वही सारे सवाल हमारी पत्नी हमसे करेगी। भाई पुलिस को तो हम किसी तरह से संभाल लेंगे, हमारी पत्नियों को कौन संभालेगा? वो तो गरजत बरसत सावन आयो टाइप से अपने सवालों के बौछार से हम सबको गीला कर देंगे। करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। क्या कब से तू करेक्ट करेक्ट वेरी गुड कर रहा है? कुछ सोचना तू भी। एक काम करते हैं, हाँ। इसे अनाथ आश्रम लेके जाते हैं। ये सही आइडिया है, इसे अनाथालय जाकर छोड़ देते हैं, इससे पहले कि हमारी पत्नियां यहाँ आ जाए। और अगर इसकी माँ आ गई तो कह देंगे इसे अनाथालय में छोड़ा है। हाँ। संभालो, चलो चल संभालो। रूपल, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि चकू भाई ऐसे निकलेंगे। कैसे निकल लिए? ओ छोटे लाल, काम करो ना भाई अपना। भाभी आज के जमाने में ना किसी का कुछ नहीं बोल सकते। मतलब मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कभी हमारे पतियों का ऐसा कोई राज सामने आ गया ना, युद्ध छिड़ जाएगा। अरे ये लिफ्ट का क्या मतलब है? लिफ्ट का क्या मतलब है? ऊपर आना, ये तो नीचे जा रही है। कैसे लिफ्ट है भाई? भाई कहीं रूपल और नीतू भाभी हुए तो? भाई अगर हमारी पत्नियों ने हमें इस बच्चे के साथ देख लिया ना तो रायता इतनी दूर तक फैलेगा कि फैल फैल के सोसाइटी से बाहर चला जाएगा। शुभ शुभ बोलो भाई, शुभ शुभ बोलो। अच्छा हाँ चलो। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है हम लोग ठीक वक्त पर अंदर आ गए, वरना हमारा तो गेम ओवर हो जाता। बाल बाल बच गए भाई। हाँ बाल बाल बच गए, पकड़े जाते हो सिर्फ बाल ही बचते। हाँ नीतू भाभी, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है ना? रूपल, मैं समझ सकती हूँ तुझे बच्चे की जल्दी है, इसलिए तेरे कान बज रहे हैं। देख गुड न्यूज से पहले तुझे बच्चे की किलकारियां सुनाई दे रही है। ये बच्चे के रोने की आवाज थी ना? नीतू भाभी अब गुड न्यूज आप देने वाली हैं। बकवास न कर। वो देख, ये बच्चे के रोने की आवाज तो गोल्डी के फ्लैट से आ रही है। चलो लाइफ खलास हो गई हमारी। अरे बच्चे की रोने की आवाज सुन के नीतू भाभी और रूपल दोनों यहीं आ रही है। हाँ कोई बात नहीं हम समेट लेते ना। दूधू पी लो प्यार से भाई, आदमी का बच्चा, इंसान का। जा 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 तुम बाहर लोगों को संभालो, बाहर संभालो, जाओ जाओ बराबर से आराम से। शाबाश शाबाश। ले ले क्या हुआ भाभी, टमाटर बेच रहे हो आप लोग? बेच नहीं रहे, समेट रहे। वैसे गोल्डी, कि तेरे घर से बच्चे के रोने की आवाज क्यों आ रही है? क्या 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 बच्चे के रोने की आवाज मेरे घर से? वो क्या है ना कि नया रिंगटोन डाउनलोड कर रहा था, उसलिए ट्राई कर रहा था तो बच्चे की आवाज उसमें थी। आपको क्या लगता है मेरे घर में छोटा सा नन्हा सा दूध पीता बच्चा है? डाउनलोड हो गया मैं। मजा आया। दरवाजा ही बंद कर दिया मुंह पे। कैसी अजीब अजीब से रिंगटोन्स डाउनलोड करता रहता है ये पागल है सच्ची। इतना भी नहीं मानी भाभी यहाँ तेरी बात। पागल हो पागल भाई, तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा था? कंट्रोल एक्टिंग नहीं कर सकता है? आपको क्या लगता है मेरे घर में बच्चे ये क्या है? सब कुछ ना सब रॉन्ग कर देता है, रॉन्ग रॉन्ग। अगर इतना ही है ना तो बाहर जाके रियलिस्टिक एक्टिंग करता हूँ, बता देता हूँ कि घर में बच्चा है। ऐसे नहीं आएगा। गोल्डी हाथी है हमारा, हाथी हाथी चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी। आजा बहुत बहुत बढ़िया एक्टिंग की तुमने, बहुत अच्छे एक्टिंग के लिए तुझे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ अरे वो तो अच्छा हुआ कि बाहर टमाटर बिखर गए इसलिए वो रुक गए, वरना यहीं पे आ रहे थे। कैसे क्यूट लग रहा है, मन करता है इसे पकड़ के खा जाओ तुझे। गोल्डी, हर चीज खाने की नहीं होती, ये खा जाओ, वो खा जाओ, कुर्सी खा जाओ, टेबल खा जाओ, चाहिए इंसान का बच्चा है नरभक्षी, इसे प्यार करते हैं। पता है भूपी भाई, मतलब इतना क्यूट है ना कि ऐसा बस 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 कंट्रोल कर, कंट्रोल करो। लाल लाल टमाटर, टमाटर हम लोग इसका नाम टमाटर क्यों नहीं रख लेते? टमाटर, हाँ आज से इसका नाम टमाटर। हाँ टमाटर टमाटर। देखो हंस रहा है, हंस रहा है, इसको नाम पसंद आया, नाम पसंद नहीं आया, तुम्हारी शक्ल देख ली इसने, इसलिए हंस रहा है। भाई इसे हमें बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा, अगर किसी को पता चल गया कि हमारे घर में बच्चा है तो सच बताने में, उसे साबित करने में हमारी जान निकल जाएगी। लेकिन भूपी भाई एक क्वेश्चन और है कि हम ये बच्चे को रखेंगे कहाँ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारे घर में रखेंगे। कम ऑन गोल्डी, चलो। मेरे घर में क्यों? भाई क्यों, तुम्हारे सिवा हमारा है कौन? समझा कर, अगर ये टमाटर को हम घर पे लेके गए ना तो हमारा सैलेड बन जाएगा, तू समझ ना यार। अब तो हमेशा फंसा देते हो मुझे यार। गोल्डी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो आज से बच्चे तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। जा डायपर चेंज कर, डायपर चेंज करके दिखा। किसका बच्चा है रे? चुप कराओ। टमाटर, ये रो रहा है। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। भूपी भाई को फोन कर, एक सेकंड, भूपी भाई को फोन करता हूं। रुक जा, रुक जा। हाँ बोलो गोल्डी। भूपी भाई आप सो रहे थे क्या? नहीं, इतनी रात को मैं खो खो खेल रहा था। इतनी रात को खो खो खेल रहे हैं आप? अबे गधे, सो ही रहा था ना, इतनी रात को तो आदमी सोएगा ही ना। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये टमाटर कब से रो रहा है। दूध खत्म हो गया है, मुझे दूध चाहिए। टमाटर को दूध चाहिए? ठीक है तुम आओ, मैं तब तक दूध गर्म करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ खड़े, अच्छा हुआ तुमने बेल नहीं बजाया। नहीं नहीं नहीं, जल्दी से भर दो। अरे अकलमंद इंसान, मैंने तुझे अकेले बुलाया था, तुम इसे लेके कहाँ गए? अगर इसके रोने की आवाज सुनकर नीतू कहीं उड़ गई फिर तो ना तुम चैन से सो पाओगे ना मैं। नहीं 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 भूपी भाई देखो, टमाटर की शक्ल देखो, रो रो के कैसा हाल हो गया इसका। ये इसको अकेले कैसे छोड़ के आता मैं? ये तुम्हारे अंदर इतनी बापता कहाँ से आ गई भाई? बापता जैसे माँ की ममता, जैसे बाप की बापता, वैसे इस बेचारे टमाटर की रो रो के सूरत जो है ना वो चुसे हुए नींबू की तरह हो गई है। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से दूध दो, नहीं तो अगर उड़ गई तो बवाल हो जाएगा। आप रो क्यों रहे हो? कौन? मैं कहाँ रो रहा हूँ? मैं क्यों रोऊंगा? अरे मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, शायद किसी बच्चे के रोने की आवाज। वो टमाटर, टमाटर की सब्जी, वो गलती से बाहर रह गई थी तो मैंने सोचा कि उसे फ्रिज में रख दूं, बाहर पड़े पड़े कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए उठना पड़ा। मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी और किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। हमारे फ्लोर पे तो कोई बच्चा है नहीं ना, शायद कोई बाहर आया होगा, मैं देख के आती हूँ। एक सेकंड, क्या हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या? मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ। टंडन साहब, ये मोमबत्ती लेकर क्यों घूम रहे? मैंने सोचा बत्ती जलाने से कहीं तुम्हारी नींद न उचट जाए। नहीं, छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं आप। हाँ, क्यूट, कितने प्यारे हैं। वहाँ ना कोई बच्चा है, ना जवान है, ना बूढ़ा है, कोई नहीं है। तो फिर मैंने आवाज किसकी सुनी? कहीं कोई भूत प्रेतात्मा की आवाज तो नहीं? चुड़ैल, भूत प्रेतात्मा की आवाज तो नहीं? आप मुझे डरा क्यों रहे हो? तुमने कहा था कि दिन में भी तुम्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। हाँ, वो तो गोल्डी के फोन का रिंगटोन था। ये रिंगटोन वाला 2 दिन तो नहीं चलेगा। हाँ, आत्मा वाला आइडिया ज्यादा बेहतर है, लंबा चल सकता है। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि वो रिंगटोन हो सकती थी, ये रिंगटोन नहीं है। ये जरूर किसी भटकती हुई आत्मा की आवाज है। अतृप्त आत्माएं अक्सर रातों को ऐसे रोया करती है। बच्चे की आत्मा होगी शायद। हाँ। वैसे आप कब से आत्मा में मानने लगे? मैं नहीं मानता था, लेकिन कल मैंने तुम्हारे बाबा सेवानंद जी का प्रवचन सुना। वो कह रहे थे कि मौत के बाद मोक्ष मिलना आसान नहीं है, इसीलिए बहुत सारी आत्माएं बिना पासपोर्ट के और वीजा का ठप्पा लगाए किल्लोल करती रहती हैं। किल्लोल भटकती रहती है। और क्या आप कब से बाबा जी का भाषण सुनने लगे? बस कल से ही। जब से सुना है मेरी आत्मा को, मतलब मेरे मन को बहुत शांति मिली है। बाबा जी ने क्या कहा? बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं, बड़ी आत्माएं, छोटी आत्माएं, लंबी आत्माएं, गिट्ठी आत्माएं, बोनी आत्माएं। किसी बच्चे की आत्मा की रोने का जिक्र भी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है ये जरूर किसी बच्चे की आत्मा की रोने की ही आवाज है। कोई उपाय भी तो बताया होगा? हाँ, बताया। बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं को ढूंढना नहीं चाहिए, आवाज कहाँ से आ रही है पता नहीं लगाना चाहिए, आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाना चाहिए। नीतू, जाओ, तुम भी जाओ और कमरे में सो जाओ। मैं बस दूध। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.